नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुख्य संपादक मुकेश तिवारी की यह रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24 पर। चीते को बहुत ज्यादा फुर्तीला जानवर माना गया है। वैसे इंसानों में सबसे ज्यादा तेज धावक उसेन बोल्ट दौड़ता है, जिसकी रफ्तार 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीते की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी कि दुनिया के सबसे तेज इंसान के दुगने से भी ज्यादा है। चीते अपनी यह तेज रफ्तार केवल 3 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन चीते ज्यादा समय तक लगातार दौड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए इनके पास शिकार के लिए केवल 20 सेकंड का समय होता है। चीते का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। चीते जानवर अफ्रीका में ज्यादातर पाए जाते हैं। ईरान देश में भी यह जानवर मिल जाता है। चीते अपनी रफ्तार के कारण जाना जाता है, और जब यह पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक की छलांग लगा सकता है। वैसे चीता बिल्ली की प्रजाति का माना जाता है। यह आकार में बड़ा होता है और शेर की तरह ही मांसाहारी खतरनाक जानवर है, लेकिन यह शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता है। यह बिल्ली की तरह गुर्राता है। चीते अपना शिकार दिन में ही करते हैं, क्योंकि उनको रात को नहीं दिखता है और इनका पेड़ पर चढ़ना भी मुश्किल होता है। इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया में कई जगहों से तो यह विलुप्त हो गए हैं। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहले चीते पूरे एशिया महाद्वीप में पाए जाते थे, लेकिन अब केवल ईरान में ही अधिकतर बचे हुए हैं। भारत में भी पाए जाते थे, लेकिन शिकार और जलवायु परिवर्तन के चलते ये भारत से खत्म हो गए हैं। चीते के बच्चे बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यह चीतों की लगातार कम हो रही संख्या का मुख्य कारण रहा है। शिकारी जानवर जैसे शेर, लकड़बग्घे इनके बच्चों का शिकार कर लेते हैं। चीतों की तस्करी भी इनके घटने का एक कारण मानी गई है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने का शौक रहा है, इसलिए तस्कर चीतों को बेच देते हैं। मादा चीता ही बच्चों को पालती है और उनके लिए भोजन का शिकार भी खुद करती है। नर तो हमेशा की तरह आलसी होता है। संगमन के समय ही मादा और नर चीता आपस में मिलते हैं, और संगमन के बाद वो अलग हो जाते हैं। नर चीते झुंड बनाकर रहते हैं और शिकार करते हैं। चीते की कमर बहुत पतली होती है और इनके शरीर पर काले और पीले रंग के धब्बे भी होते हैं। मादा चीता 90 दिनों के लिए गर्भ धारण करती है और एक साथ 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय चीते के बच्चों को दिखाई नहीं देता और करीब 10 दिनों बाद ही वो आंखें खोलते हैं। चीते 12 साल तक जीवित रहते हैं और अगर उन्हें सही वातावरण मिले तो 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। चीते का औसत जीवन काल 15 वर्ष का होता है। चीते झुंड में रहकर शिकार करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा की खपत कम होती है। चीता अपने शिकार को पूरा नहीं खा पाता है और यह इनके शिकार का 40% ही होता है। चीता पानी बहुत कम पीता है, क्योंकि यह खाने के भोजन से ही पानी की पूर्ति कर लेता है। यह मांसाहारी जानवर अपने पंजे बंद नहीं कर सकता, यही कारण है कि वह पेड़ों पर भी नहीं चढ़ पाता है। चीते की औसतन आयु 20 वर्ष होती है। चीता भैंसे, सुअर आदि का शिकार करते हैं, और वो भी झुंड में, जिससे इनकी ऊर्जा कम खत्म होती है। चीते भी बहुत लंबे होते हैं। चीते लगभग 5 फीट या 250 सेंटीमीटर तक अपने सिर से उनकी पूंछ की शुरुआत तक माप सकते हैं। कुछ चीता 150 पाउंड तक या 70 किलोग्राम से अधिक वजन उठा सकते हैं। दुनिया में केवल 40 से 70 एशियाई चीता ही बचे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए टीएमटी न्यूज 24।